अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। जी, मेरा नाम है आरिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेटमैक्स टीवी। जी व्यूवर्स, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे। आज मैं आपको मरी की अपडेट्स देता हूं, मरी के हालात के बारे में बताता हूं कि वहां पे आजकल कितनी बर्फ़बारी हो रही है, रास्ते खुले कि नहीं खुले, इंतज़ामिया का ना कैसा हाल है, वो काम अपन कर रही है कि नहीं कर रही। बेसिकली सुनने में ना आ रहा, यूट्यूब से चैनलों से पता चल रहा है जी कि वहाँ पे बहुत अपडेट्स दे रहे हैं कि जी बहुत बर्फ़बारी हो रही है जी, वहाँ पे रास्ते बंद हैं जी, आप ना जाइएगा। मेरा मशवरा आपको ये है कि आप ना इंजॉय करने के लिए ज़रूर जाएं, ठीक है, मगर एहतियाती तदाबीर साथ जरूर अख्तियार करें। यानी कि आपकी गाड़ी अच्छी ना होनी चाहिए, आपके टायर बिल्कुल नए होने चाहिए और टायरों की चेन लाजमी आप साथ लेके जाएं, क्योंकि बर्फ़बारी हो रही है, बहुत ना अच्छी खासी बर्फ़बारी हो रही है, 4-5 दिनों से लगातार बर्फ़बारी हो रही है, ये आप देख रहे हैं जी। व्यूवर्स, मैं अपने पहले व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि स्नो चैन का तो बहुत लाजमी है स्नो फॉलिंग में। अगर आप गाड़ी की स्नो चैन साथ लेके आएंगे वो तो फिर आपके लिए बहुत ना फ़ायदेमंद रहेगा का ना स्नो में ड्राइव करनी, क्योंकि स्नो ना सड़क पे एंड मौके पे बर्फ़बारी होती है और स्नो जब जम जाती है तो वो उसके ऊपर गाड़ी स्लिप होती है। तो अगर स्नो चैन होगी तो आपको ड्राइव करने में बड़ी आसानी हो जाएगी जी। व्यूवर्स, मैं आपको नथिया गली के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। नथिया गली पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का पहाड़ी कस्बा है और पुरफजा सियाहती मुकाम है, जो ज़िला एबटाबाद में मरी और एबटाबाद को मिलाने वाली सड़क पर 8200 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। इस्लामाबाद से इसका फासला 80 किलोमीटर है। जुलाई और अगस्त के महीनों में यहाँ तकरीबन रोज़ाना बारिश होती है, सर्दियों में यहाँ शदीद सर्दी और दिसंबर और जनवरी के महीनों में शदीद बर्फबारी होती है। यहाँ गवर्नर हाउस सियाहतों के लिए क़ियामगाहें और आरामगाहें वाक़िया हैं। कस्बा में कुछ दुकानें और थोड़ी बहुत आबादी भी है। गर्मियों में यहाँ सियाहों का रश होता है और क़ियामगाहों और आरामगाहों के किराए बहुत बढ़ जाते हैं। कोह मश्कपुरी बिल्कुल ही करीब ही वाक़िया है नथिया गली के। और अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया बहुत एक्टिव है। ये देखें कैसे बर्फ़ को हटाया जा रहा है, क्रेने और जो अमला है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, मगर फिर भी आप लोगों को एहतियात की ज़रूरत है। एहतियाती तदाबीर ज़रूर लाजमी अपनाइएगा और अपनी फैमिलीज़ अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करने आएँ। बहुत प्यारा इलाका है, बहुत स्नोफॉल हो रही है, बहुत मज़े का मौसम है। नथिया गली केपीके का बहुत खूबसूरत इलाका है, यहाँ पे देखने को बहुत कुछ है, ग्रीनरी है, ठीक है। और दूसरा मैं बता दूँ, यहाँ पे ना फैमिली के लिए भी बहुत खूबसूरत और बहुत अपडेटेड ना पार्क है, जहाँ पे झूले हैं बच्चों के खेलने के लिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।